गाजा में हमास और इसराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और बसपा के सांसद दानिश अली फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे। इन दोनों के अलावा सोमवार को लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पहुंचे। सभी ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए फिलिस्तीन दूतावास का दौरा किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दौरा करने वाले नेताओं में बसपा के दानिश अली, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर के अलावा जेडीयू के केसी त्यागी, CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान भी शामिल रहे। इस दौरान वामपंथी दल CPI के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम यहां फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है और जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, गाजा में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इस युद्ध का शिकार कोई और नहीं बल्कि मासूम फिलिस्तीनी बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।